जैसा कि देख पा रहे हैं ये पैशन प्रो है और ये अभी सर्विसिंग में आया हुआ था। सर्विसिंग में क्या क्या खुलता है वो दिखाया गया, तो देखिए किस तरह से खोला गया है। चाइनीज़ प्रॉफिट वगैरह सब अभी वॉश होगा और इधर देखिए ब्रेक शू प्लेट को धोया गया है और इसे अभी अच्छे से पोछा जाएगा, उसके बाद में इसे ग्रीसिंग करके फिट किया जाएगा। और इसमें सर्विसिंग में क्या क्या खुलता है वो सारा कुछ हम डिटेल बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक छोटा सा रबड़ को भी कितना अच्छे से वॉश किया जा रहा है। और ये देखिए हमारा चाइनीज पॉकेट बड़ा वाला, इसका वायरिंग को अच्छा से धोया जा रहा है। खोल के इसलिए नहीं धोया जाता है क्योंकि खोलने से बार बार उसका जो प्लेट होता है वो घिस जाता है, इसलिए नहीं खोलते हैं, खड़े में धो लेते हैं, उससे और अच्छा रहता है। तो देखिए कितना अच्छे से तरीके से धोया जा रहा है और इसे पूरा क्लीन करके इसको फिट किया जाएगा। यह देखिए ब्रेक शू कितना अच्छा से पोछा जा रहा है, इसको धो नहीं रहे, धोने से क्या होगा कि ब्रेक स्लिप करेगा, इसलिए इसको पोछ के अच्छे से रगड़ के फिटिंग किया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्रीसिंग किया जा रहा है ब्रेक शू प्लेट में, ताकि वो चों-चों करता है कुछ आवाज़ तो वैसा आवाज़ नहीं करेगा ऐसे ग्रीसिंग करने के बाद में। तो अब इसको ग्रीसिंग करके इसको फिट किया जाएगा। रुके देखिए किस तरह से ब्रेक शू अब फिट हो गया है। अब इसको ये भाग को हल्का हल्का ब्लेड से रगड़ देंगे, तो रगड़ के दिखाते हैं। तब तक देखिए चाइनीज पॉकेट कितना साफ हो गया है, एकदम नया जैसा। तो इसी तरह से सर्विसिंग किया जाता है। देखिए ब्रेक शू को कैसे रगड़ा जा रहा है, इससे क्या होगा कि ब्रेक स्लिप नहीं करेगा, अच्छा से ब्रेक पकड़ेगा स्मूथली एकदम नया जैसा। तो इसके लिए इसको ब्रेक शू को रगड़ा जाता है। हर एक चीज़ को बारीकी से धोया जाता है, अच्छे से क्लीन किया जाता है, जितना भी डस्ट होता है वो निकाला जाता है। आपको हम डस्ट दिखा दे रहे हैं कि चैन कवर में कितना डस्ट पड़ा हुआ था। देखिए वायरिंग में कितने अच्छे से ग्रीस भरा जा रहा है, ज़्यादा कि ग्रीस सूखे नहीं, ग्रीस सूखेगा तो वायरिंग टूट जाता है, तो हमेशा ग्रीस थोड़ा सा ज़्यादा ही भरते हैं। देखिए चैन को कितना अच्छा से ब्रश से साफ किया जा रहा है, और अभी भी चैन इसको धोने के बाद ये चैन भी पूरा नए की जैसे एकदम चमकेगा, उसके बाद इसमें ग्रीसिंग होगा। तो इसी तरह चैन वॉश किया जाता है और यहाँ का जितना सारा डस्ट होता है सबको क्लीन किया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम ये वीडियो में मेरा 1 मिलियन व्यूज़ जाना चाहिए और सब्सक्राइबर कम से कम 1000 प्लस हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। हमारे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अभी मेरा 360 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, ये वीडियो में कम से कम बढ़ा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा।